कभी कभी हमारे घरों में ब्रेड्स बच जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि उसका यूज़ कैसे करें, और कभी कभी हम कभी कोई डिश बनाते हैं तो जो उसके साइड का ब्राउन पार्ट होता है वो भी बच जाता है। तो इसके लिए हमें ये सोचना होता है कि ब्रेड्स का कुछ अच्छा भी बन जाए और सभी को पसंद भी आए और हमारा ब्रेड्स यूज़ में भी आ जाए। तो ऐसे ही आज रेसिपी मैं लेकर के आई ब्रेड हलवे की। तो इसके लिए यहाँ मैंने 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिए हैं। आप बची हुई ब्रेड्स को भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही उसको जार में डाल के पहले इसका क्रम बना लेंगे, फिर इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम घी डालेंगे, 2 टेबल स्पून घी यहाँ लेंगे। फिर इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस जैसा, आप जब हाथ से टच करोगे बिल्कुल दानेदार जैसा लगेगा। तो इसका मतलब आपका है कि आपका ब्रेड क्रम्स जो है रोस्ट होके बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए टेक्सचर इसका बिल्कुल क्रिस्पी टाइप का टेक्सचर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस ब्रेड क्रम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और जो 4th पार्ट है ना हम चीनी लेंगे। तो ऐसे अगर देखें ना तो कप के हिसाब से इसमें 1/3 कप चीनी लग रहा है, 5 ब्रेड का। अब इन सारी चीजों को आपस में मिला लेंगे और फिर दूध जो है ना धीरे धीरे करके इसमें डालना है, और थोड़ा थोड़ा दूध इसलिए डालना है कि ब्रेड जो है ना, जो दूध बहुत कम भी डालोगे तो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए आप ज़्यादा अगर दूध डाल दोगे ना तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाएंगे। तो इसमें भी करीब बोलेंगे ना तो 1 कप दूध लग जाएगा, और इससे क्या है कि थोड़ा खिला खिला सा हमारा हलवा तैयार होगा अगर कम दूध डालेंगे तो। ये देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और फिर से इसे थोड़ी देर के लिए हम 1-2 मिनट के लिए और भून लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच करीब में घी डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम थोड़े से मेवे कटे हुए जो है ना वो मेवों को डालेंगे। हमारा ब्रेड हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। देखिए कितना सॉफ्ट सा दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और ये सभी को पसंद आती है। यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।